हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार जोशी, जंडेल कैम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। इस यूट्यूब वीडियो के द्वारा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी। आज का मेरा टॉपिक है स्पार्कलर फिल्टर। स्पार्कलर फिल्टर को बताने के पहले मैं आपको को बताना चाहता हूँ फिल्ट्रेशन। व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन इज नथिंग बट ए सेपरेशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। मीन्स सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना ही फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन इज द यूनिट ऑपरेशन एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर यूजिंग फॉर दिस प्रोसेस। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज में आते हैं। फर्स्ट इज द प्रेशर फिल्टर, यहाँ पे मैंने इसको ब्रीफ में यहाँ पे लिखा है। दूसरा इज द डोम फिल्टर, लिप फिल्टर, नज फिल्टर एंड सेकंड लास्ट इज स्पार्कलर फिल्टर एंड क्रिकेट फिल्टर। यहाँ पे प्रेशर फिल्टर से लेके नज फिल्टर तक जो भी इक्विपमेंट्स है, दिस इज द ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स एंड स्पार्कलर फिल्टर एंड क्रिकेट फिल्टर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स। स्पार्कलर फिल्टर एंड क्रिकेट फिल्टर इज द न्यू टेक्निकल इक्विपमेंट्स। अभी आई वुड जस्ट लाइक टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रेशर फिल्टर एंड स्पार्कलर फिल्टर। यहाँ पे मैंने 48 इंच का प्रेशर फिल्टर लिया है और 20 यहाँ पे मैंने 48 इंच का प्रेशर फिल्टर लिया हुआ है और इस साइड में 24 इंच और 16 प्लेट का स्पार्कलर फिल्टर लिया है। यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो स्पार्कलर फिल्टर ये PF हैविंग सिंगल प्लेट्स एंड स्पार्कलर फिल्टर हैविंग मल्टी प्लेट्स, जस्ट 16 प्लेट्स एंड अभी यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्ट सिंगल प्लेट्स है, सो दैट इसके रेस्पेक्ट में जो एरिया रहेगा 1.16 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्पार्कलर फिल्टर का जो एरिया रहेगा वो अप्रोक्सीमेट 5 मीटर स्क्वायर। मीन्स जस्ट फोर स्पार्कलर फिल्टर एरिया इज 4.4 टाइम्स ग्रेटर देन प्रेशर फिल्टर एरिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एरिया के रेस्पेक्ट में इसके टाइम साइकिल में क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे प्रेशर फिल्टर में टाइम विल बी मोर बिकॉज ऑफ दैट एरिया इज लेस, सो टाइम साइकिल विल बी मोर। यहाँ पे स्पार्कलर फिल्टर में टाइम विल बी लेस बिकॉज एरिया इज मोर। कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में टाइम इज मोर सो दैट इट विल बी लेस। स्पार्कलर फिल्टर के केस में टाइम इज लेस सो प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। एनर्जी, यहाँ पे टाइम इज मोर सो दैट एनर्जी विल बी मोर, एनर्जी कंजम्पशन विल बी मोर। यहाँ पे स्पार्कलर फिल्टर के केस में टाइम इज लेस सो दैट एनर्जी विल बी लेस। अब हम आते हैं यील्ड के केस में, यहाँ पे यील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वी नो दैट प्रेशर फिल्टर हैविंग सिंगल प्लेट्स सो दैट वेट के डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ऑन सिंगल प्लेट्स सो दैट वॉशिंग विल बी पुअर, सो यहाँ पे यील्ड विल बी लेस। स्पार्कलर फिल्टर में यील्ड विल बी हाई बिकॉज ऑफ दैट इट्स हैविंग मल्टी प्लेट्स सो दैट वेट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मल्टी प्लेट्स एज इक्वली सो दैट यील्ड विल बी हाई। अब यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे देर आर मैनी पॉजिटिव पॉइंट्स इन स्पार्कलर फिल्टर। मीन्स
टाइम साइकिल इज लेस, कैपेसिटी हाई, एनर्जी कंजम्पशन लेस एंड यील्ड इज हाई। सो दैट इन सारे पॉइंट को देखते हुए स्पार्कलर फिल्टर इज बेटर देन एज कंपेयर टू पीएफ। अब हम देखते हैं स्पार्कलर फिल्टर का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। ओनली सिंगल डिसएडवांटेज है स्पार्कलर फिल्टर का, बिकॉज ऑफ दैट यदि स्पार्कलर फिल्टर का बैग साइज सही नहीं है या फिर उसको अच्छे से टाइट नहीं किया है, सो दैट उसमें से चारकोल पास हो सकता है। सो दैट हमको यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पार्कलर फिल्टर का बैग साइज सही हो और उसको ठीक से टाइट किया हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज माय सेकंड वीडियो, और भी वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा। ओके थैंक्स।